हे व्हाट्सअप गाइस, तो गाइस आज की इस वीडियो में फिर से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे गाइस। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की। और तो सबसे पहले हम इस दोनों ग्लास में गाइस पानी लेते हैं। तो चलिए हम पानी डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी रखा है गाइस, तो पानी इसमें डाल लेते हैं पहले पूरा। आप देख सकते हो मैंने इसमें इतना पानी ले लिया है, आपको उतना ही इसमें भी लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा साल्ट लेना है, नमक गाइस। आपके घर में नमक होगा तो आपको नमक लेना है। तो मैंने नमक यहाँ पे ले रखा है, देख सकते हो। तो इस नमक को एक ग्लास में डालना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं नमक, देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस डाल रखा है, डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको एक कलर लेना है गाइस। कोई भी आप एक कलर ले लो, जैसे कि मैंने ये ले रखा है, इसमें मैंने एक रेड कलर ले रखा है। तो आपको क्या करना है, आप ये नमक वाला जो पानी है और नॉर्मल पानी है, इन दोनों में डालना है। तो डाल के देखेंगे कि क्या डिफरेंट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें कलर थोड़ा सा डाल के देखते हैं हम लोग। अब नॉर्मल में डाल के देखते हैं गाइस। देख सकते हो डिफरेंट क्या है दोनों में। ये जो कलर है गाइस अभी तक नीचे नहीं गया है नमक की वजह से। अब ये जो है पूरा घुल चुका है, आप देख सकते हो दोनों अभी डिफरेंट, यही डिफरेंट दिख रहा होगा आपको। दोनों का डिफरेंट आपके सामने है गाइस, अब देख सकते हो। होती ही एक कमाल का थोड़ा सा व्यू देखने को आता है, इसलिए मैंने सोचा क्योंकि इस पर वीडियो बनाते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है। ये बहुत ही स्लो नीचे जाता है कलर, क्योंकि इसमें नमक का पानी है, नमक घुला हुआ है इसलिए। और इसमें यह तुरंत डालने के बाद तुरंत चला जाता है। तो गाइस आज का इस वीडियो पूरा हुआ गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।